हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान भक्ति में। दोस्तों, उत्तर भारत में होली 3 दिनों तक मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जिसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। दोस्तों, दिवाली के बाद होली को हिंदू कैलेंडर का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। होली का शब्द होलिका भक्त प्रहलाद की बुआ और राक्षस हिरण्यकश्यप की बड़ी बहन से निकाला गया है। दोस्तों, माना जाता है कि इस त्यौहार की शुरुआत प्रहलादपुरी मंदिर पाकिस्तान से हुई थी। प्राचीन पर्वों की सबसे बड़ी सुंदरता है कि इनके पीछे छुपे हुए पौराणिक राज हमें हमेशा आकर्षित करते हैं। आइए जानें होलिका दहन का अभिप्राय और इसका इतिहास। होलिका दहन का पर्व संदेश देता है कि ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा ही उपस्थित रहते हैं। होलिका दहन, होली का त्यौहार, होली का पहला दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है, जिसे धुलेड़ी, धुलंडी और धूली आदि नामों से भी जाना जाता है। होली बुराई पर अच्छाई की विजय के उपलक्ष में मनाई जाती है। होलिका दहन, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके अगले दिन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है और अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाकर गले मिलकर इस पर्व को मनाया जाता है। भारत में मनाए जाने वाले सबसे शानदार त्योहारों में से एक है होली। दोस्तों, हिंदुओं के लिए होली का पौराणिक महत्व है। इस त्यौहार को लेकर सबसे ज़्यादा प्रचलित है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। लेकिन होली की केवल यही नहीं बल्कि और भी कई कहानियां प्रचलित हैं। होलिका दहन का शास्त्रों के अनुसार नियम, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होला अष्टक माना जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इसके लिए मुख्यतः 2 नियम ध्यान में रखने चाहिए। पहला, कि इस दिन भद्रा ना हो। भद्रा का दूसरा नाम विष्टिकरण भी है, जो कि 11 करणों में से एक माना जाता है। एक करण तिथि के आधे भाग के बराबर होता है। दूसरी बात, पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापनी होनी चाहिए, यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए तो उस दिन सूर्यास्त के बाद ही 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। होलिका दहन की एक पौराणिक कथा है दोस्तों, जिन्हें आज मैं आपको बताना चाहूँगी। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद सिवाय विष्णु भगवान के किसी अन्य को नहीं भजता, तो वह काफ़ी रुष्ट हुआ और अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दे दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि से किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँच सकता। किंतु इसके विपरीत हुआ। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान बनाया गया है। होलिका का पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा ही उपस्थित रहते हैं। होली की केवल यही नहीं बल्कि और भी कहानियाँ प्रचलित हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी कहानियाँ और जानकारियाँ लेकर पुनः प्रस्तुत होंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। थैंक यू दोस्तों।